सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे यार मतलब सारा आप ही का प्यार और सपोर्ट है कि मैं इंडिया से एकदम उल्टे टाइम जोन में हूँ फिर भी सुबह जगा हुआ हूँ, रात में जगा हुआ हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे भैया बना रहा हूँ आपके लिए वीडियोस और लगभग आपको सही टाइम पे मिल रही है। तो यहाँ पे यार ऐसे में अगर हम बात करें आगे बढ़ते जिससे पहले पुराने पोल के लिए सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि आईफोन 11 के साथ भैया कुछ स्पेशल वाला काम करें, तो बोला आप में से 87% ने हाँ जी बिल्कुल है हम तैयार और बाकी बोलते हैं यार छोड़ो क्या करोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव नेक्स्ट लेवल मतलब बम्पर धमाका होने वाला है बहुत ही जल्दी। अब बस अभी हैंड्स ऑन दोस्तों, वीडियो तो आपने देख लिया, अनबॉक्सिंग भी आने वाली है और उसके बाद में कुछ और स्पेशल चीजें निकलेंगी। मतलब मुझसे खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप दोस्तों ऐसे बस दबाओ जल्दी से लाइक बटन को। और यहां पे यार दोस्तों हम करते हैं अगर बात आज के सवाल की, तो सवाल ये है कि भाई इस बार जो है वो एप्पल ने आईफोन 11 प्रो और प्रो मैक्स में बॉक्स में दे दिया है 18 वॉट का फास्ट चार्जर। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है, थोड़ा सोचो और बताओ क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातें एक साथ मिला लीजिए, दबाइए थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगा के लाइक बटन को। दोस्तों बात करें पहले अपडेट की, तो भैया यहाँ पे ऑफकोर्स हम जिक्र करने वाले हैं एप्पल के आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स का, जहां पर दोस्तों मैंने आपको हैंड्स ऑन वीडियोज दे ही दिए हैं इन सभी आईफोन्स के। इसके अलावा अनबॉक्सिंग के लिए आपको कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें इनकी इंडियन कीमत की, तो यहाँ पर दोस्तों जो 10s और 10s मैक्स की प्राइस थी लगभग वही सेम प्राइस है आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स की, जहां पे आपको ट्रिपल कैमरास वगैरह मिल रहे हैं। और जो आईफोन 11 है उसकी कीमत है 64,900 रुपीस, जो कि कम है पुराने पिछले साल की आईफोन 10R से। तो यहां पे खैर कुछ और जो डिटेल्स हैं वो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगी। कैमरा लेकिन आपको बता दूं कि जितना मैंने देखा है मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे एयरटेल को लेके, और यहां पे दोस्तों बात हो रही है एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर की, जहां पे भैया मिलने वाली है 1 Gbps की स्पीड। और यहां दोस्तों प्राइस निकल के आती है 3,999 रुपए। मतलब जियो फाइबर के जो प्लान है वो हालांकि इतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन उसके साथ दोस्तों मैच करते हुए जो बाकी कंपनीज है वो भैया कर रही है कोशिश सेम लाइन पे आने की। तो ऐसे में जियो फाइबर का जो प्लान है वो भी बिल्कुल सेम है 1 Gbps का, 3999 का सेम लेके आ गया है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। अभी आप ऐसे में दोनों में से किसको यूज़ करना पसंद करेंगे, या क्या वाकई महीने के 4,000 रुपये इंटरनेट का दोस्तों खर्च करना चाहते हैं क्या, बताइए क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो यहाँ पे गूगल का जो जी बोर्ड कीबोर्ड है उसका दोस्तों यहाँ पे आया है बीटा वर्जन 8.7.2, जहाँ पे काफ़ी नए इंप्रूवमेंट्स साथ में आए हैं। फिर अगर आपसे बात करता हूँ कीबोर्ड के हाइट ऑप्शंस की या फिर हैंड राइटिंग इनपुट के टाइम पे भैया स्पीड की, तो आप वो कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे आप दोस्तों अपने मोबाइल फोन्स में कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या आप यूज करते हैं जी बोर्ड या स्विफ्ट की या जो आता है डिफॉल्ट, थोड़ा लिख के बता ही दो, मतलब टाइप करके बता ही दो अपने उसी कीबोर्ड से। तो बात करें अब अगले अपडेट की, तो भैया यहां पे जो है वो मतलब कमाल हो गया है, जहां पे अगर दोस्तों आपसे बात करता हूं यहां पे इसरो के लिए हम सभी के प्यार को लेके, तो इसको अगर आप दोस्तों मेजर करना चाहें तो मेजर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और दोस्तों सबसे ज्यादा हैशटैग यूज किया गया इंडिया में अभी पिछले कुछ दिनों में वो था चंद्रयान 2। उसके बाद दोस्तों यहां पे आता है जिक्र विक्रम लैंडर और इसरो का, तो यहां पे ये मतलब बिल्कुल एकदम टॉप पोजीशंस पे हैं। और काफी अच्छा लगता है यार ये देख के कि हमारे अपने देश के लोगों के लिए जो हमारे दोस्तों ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जो बैठे हैं इसरो में और जो काफी मतलब नेक्स्ट लेवल वाला काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में रॉकेट साइंस है, उनके लिए दोस्तों हम सभी के लिए हम सभी की तरफ से कितना प्यार है, और ये हमने इस बार दिखाई दिया है खैर नंबर्स में भी ऑनलाइन चंद्रयान 2 के बारे में जिक्र करते हुए। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो मर्सिडीज ने अपने दोस्तों एक नई कॉन्सेप्ट कार को अनवील किया है जो कि है EQS इलेक्ट्रिक सुपरकार। और यहां पर दोस्तों ये जो EQS विजन कार है इसमें आप देखते हैं भैया लुक्स कैसा है गाड़ी का, अंदर बाहर आगे पीछे से। अब खैर कंसेप्ट कार है, देखते हैं मार्केट में आते आते कुछ हो जाती है रियलिटी में कन्वर्ट, या क्या पता भैया कंसेप्ट बन के ही रह जाए। दोस्तों बात करें अगली न्यूज की, तो LG ने पेटेंट किया भैया एक स्मार्टफोन रोलेबल डिस्प्ले के साथ, मतलब खींच के बड़ा कर दो भैया, स्क्रीन को निकाल दो फोन से बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप देखते हैं सामने की कैसा हो सकता है फोन के, मतलब नॉर्मल स्क्रीन छोटा खींचा तो भैया बन गया बड़ा। अब एग्जैक्टली ये भी देखते हैं मार्केट में कब कहाँ कैसे क्या
कभी अगर लॉन्च हुआ 5-7 साल बाद तो देखते हैं, क्या पता पॉसिबिलिटी बन जाए। दोस्तों तो बात करें अगले अपडेट की, तो यहाँ पे एप्पल जो है वो कर चुका है ऑफिशियली अनवील अपनी एप्पल वॉच सीरीज 5 को, जहां पे इस बार हमको एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों हालांकि लुक्स काफी सिमिलर है पुराने सीरीज 4 की तरह, लेकिन यहाँ पे इस बार नए मटेरियल्स अवेलेबल है, जहां पे है दोस्तों ऑप्शन टाइटेनियम और इनफैक्ट सिरेमिक का। इंडिया की दोस्तों जो कीमत है वो शुरू होती है करीब करीब 40-41 हज़ार रुपए के आसपास इसी नई एप्पल वॉच सीरीज 5 के लिए। इसकी भी आपको अनबॉक्सिंग वीडियो और एक डिटेल्ड हैंड्स ऑन टाइप का वीडियो बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो ऐसे में Xiaomi की जो MIUI 11 ROM है वो दोस्तों यहां पे एक्सीडेंटली रिवील हुई है, और ऐसे में वो कुछ-कुछ डिटेल्स मिलती हैं कि भैया क्या कुछ नया चेंज हो रहा है। अभी ऐसे में मतलब अगर हम बात करें MIUI की या फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन OS की या फॉर एग्जांपल Samsung के One UI वगैरह की, जहां भी दोस्तों होता है कस्टम इंटरफेस Android के ऊपर, तो ऐसे में मतलब जितने भी यूजर्स होते हैं उनको भैया उसी को ही यूज करना होता है, तो ऐसे में एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं MIUI 11 के लिए, क्योंकि Xiaomi यूजर्स तो आप बहुत सारे हैं ही, बता ही दीजिए नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो ऐसे में Apple TV Plus और Apple Arcade जो है ये दोस्तों अनाउंस किया गया, और ऐसे में बहुत अच्छी बात ये कि यहाँ पर दोस्तों अभी इंडिया में बेसिकली ये 99 रुपीज हर महीने के आपको देने पड़ेंगे इनको यूज करने के लिए। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जहां पर दोस्तों US की प्राइसिंग डेफिनेटली इंडिया से करीब 3 गुना ज्यादा है, और इंडिया में हमको 3 गुना कम कीमत के ऊपर मिल रहा है, जहां पर दोस्तों Apple Arcade 99 रुपीज पर मंथ, जहां पर आप एक्सक्लूसिव गेम्स एंजॉय कर पाएंगे अपने ऑल अक्रॉस पूरे प्लेटफॉर्म पे। सेम दोस्तों यहां पे बात कर रहे हैं एप्पल टीवी प्लस की, जिसकी कीमत है 99 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। तो ये एक अच्छी बात लगी है, जहां पे कीमत जो है वो बिल्कुल मतलब इतनी है कि कोई भी अफोर्ड कर ले, और US से डेफिनेटली काफी चीप भी है। और मजे की बात कि इंडिया में सबसे पहले मतलब जब बाकी जगह पे लॉन्च हो रहा है तो साथ में इंडिया में भी आ रहा है। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो ऐसे में गूगल पिक्सल 4 जो है उसकी लॉन्च डेट भैया सामने निकल के आई है, जो कि है 15 अक्टूबर। अभी अगेन दोस्तों ये लीक्स हैं, कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, और मेरे पास में जो है उसके चलते मैं कुछ आपसे शेयर भी नहीं कर सकता हूँ कि कब और कहाँ और कैसे गूगल लॉन्च करेगा पिक्सल 4 को। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 15 अक्टूबर की ये एक डेट निकल के आई है, और ऐसे में लगता है कि जो एयर जेस्चर्स हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईलाइट होने वाला है इस साल के पिक्सल 4 फोन के लिए। देखते हैं एग्जैक्टली गूगल क्या नया करता है इन्हीं फोन्स में। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो भैया निकल के आता है iPhone 11 Pro और Pro Max के लिए, जहां पे दोस्तों इनमें आप देखेंगे मल्टीपल रियर कैमरास हैं, ट्रिपल कैमरा है साथ में, दोस्तों यहां पे एक होल LED फ्लैश और एक है माइक के लिए। तो यहां पे दोस्तों ये कुछ लोगों में ट्रिगर कर रहा है ट्राइपोफोबिया, जहां पे ये एक ऐसा दोस्तों फियर है कि अगर आप देखते हैं अनइवन साइज के सर्कल्स वगैरह आसपास, तो ऐसे में भैया आप जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और ये दोस्तों करीब होता है 16% लोगों में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो ये ऑलरेडी दोस्तों कुछ लोगों को ट्रिगर कर चुका है, जब आप देखते हैं काफी सारे ऐसे छेद छोटे बड़े एक साथ अगर आप देखेंगे अनइवन साइज के, तो आपको जो है वो इतना अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, और ये हो रहा है इन्हीं नए आईफोन्स के साथ में। दोस्तों बात करें अगर लास्ट अपडेट की, तो निकल के आता है भैया इंडिया में 17 सितंबर को होने वाले Xiaomi इवेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों Xiaomi इंडिया में टीवी तो खैर लेके आने वाला ही है, लेकिन साथ में वाटर प्यूरिफायर भी लेके आने वाला है, और यहां पर दोस्तों लेके आने वाला है मी बैंड, जो कि बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। अब एग्जैक्टली बस देखते है कि यार क्या होता है ये वाटर प्यूरिफायर कुछ खास, और ऐसे में जो मी बैंड है उसकी कीमत क्या होती है, और साथ में टीवी जो है वो कितने इंच का मिलता है आखिर कितने रुपयों में। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक बटन शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।